डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से ये दो ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बोला है इट कैनॉट बी जीरो, तो इसमें कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो। तो माई डियर फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की सेम हो, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा मेजरेबल डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सर्कुलर पाथ लेती हूँ और किसी एक ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो जब वो एक राउंड इस सर्कल के काट लेगा तो वापिस से वो ए पे आ जाएगा। उसने जर्नी स्टार्ट की ए से और एक चक्कर काटने के बाद वापस से वो ए पे आ गया है। तो इस केस में जो इनिशियल पोजीशन है वो भी ए है और जो फाइनल पोजीशन है वो भी ए है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया? जीरो हो गया है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन है, इट कैनॉट बी जीरो, इट इज फॉल्स। ठीक है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। कमिंग टू द सेकेंड वन, इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स। कैसे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। Displacement is the shortest measurable distance between the initial position and final position of an object. ठीक है, सपोज मैं यहां से मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने और मैं बी पॉइंट पे आ गई हूँ। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक बार और बताया था, इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। इट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। और जो ये है L1, L2, L3, L4, ये हो गए इसके डिस्टेंसेस। लेकिन इस पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस मैं अगर ले हूं तो डिस्टेंस है मेरा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ, अगर मैं ए से बी तक इस लाइन को मैं कह रही हूँ L', तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा L'। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट किसी किसी कंडीशंस में समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूं, ये देखिए, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है। ठीक है, अब जो फार्मर है, एक एग्जाम्पल, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो फार्मर का क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि फार्मर ने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, उसने ये 10 मीटर क्रॉस किया, ये 10 मीटर चला, ये 10 मीटर चला और ये 10 मीटर चला और वापस ए पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फार्मर ने? फार्मर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मीटर का। ठीक है, या सपोज अभी तो इसमें 40 मीटर किया है, अब आपको
आपको एक चीज मैं और बता देती हूँ कि अगर एक चीज देखिए, ये सपोज कीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। फार्मर का ही एग्जांपल लेते हैं, फार्मर ने बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 10 मीटर चला वो, फिर ये 10 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फार्मर कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। मैं फार्मर की बात कर रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन, डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। तो फार्मर ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट तक चला, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया 10 मीटर प्लस 10 मीटर विच इज इक्वल टू 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजिशन ए है, फाइनल पोजिशन बी है। डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस ऑल्सो। तो शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा। तो ये जो ए बी पे मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए बी की वैल्यू अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो ए बी हमारा यहाँ हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 विच इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया है, होता क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे सी ले लेती हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है यहाँ पर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ए सी की वैल्यू 10, ए सी की वैल्यू क्या है 10 मीटर और ए सी का स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 10 है, ये आंसर आ गया। तो डिस्टेंस देखिए, फार्मर ने ए से ए पे चला, बी पे खत्म किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फार्मर का, वो है 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे केसेस होंगे या कहिए कभी कभार क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट इज नॉट ट्रू, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, नॉट ट्रू। तो दोनों के दोनों गलत हैं, और वो गलत का जो रीजन है वो भी बता दिया और सही क्या है वो भी बता दिया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन को लिखने के अंदर। मैंने जो जो भी चीजें बोली हैं आप उसको एज इट इज अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स मी राखी सेइंग योर नाउ, गुड बाय।